हाय मैं हूँ रुद्रा, मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में। हैप्पी दिवाली बच्चों। हैप्पी दिवाली दादाजी। पटाखे चलाना पर संभल कर। ओके दादाजी। बच गया। अरे इस रॉकेट ने तो मुझे ही चरखी बना दिया। वाह चिंगली जी, क्या नए स्टाइल में रॉकेट छोड़ा है। शाकाल पार्टी शुरू करो। करता हूँ बस वो भी आ जाए। वो कौन? हम सब तो आ चुके हैं। वही जिसके आने पर उजाला भी डर कर छुप जाता है। Darkness. कर दूंगा सबको रेस्टलेस। तुम आ गए, अब आएगा पार्टी में मजा। हैप्पी दिवाली। अरे रे रे, पर अपने दोस्तों को क्यों रेस्टलेस करते हो? धूमधाम फटाक। अरे ये रॉकेट है कि बिन लगाम का घोड़ा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। शाकाल, अपनी पार्टी में बुलाकर ये किस तरह की मेहमान नवाजी कर रहे हो? अरे ना ना, गुस्सा मत हो दोस्त, ये मेरे यहाँ के रॉकेट नहीं है, ये मेरे पड़ोसी सन सिटी वालों की तरफ से आ रहे हैं। जय सिंह वहाँ का किंग है। वो लोग इसी तरह घड़ी घड़ी हर घड़ी मुझे परेशान करते रहते हैं। उन लोगों ने जानबूझकर हमारी पार्टी के रंग में भंग डालने का प्लान बनाया होगा। क्या हाल कर दिया मेरी पार्टी का। शाकाल,
दुखी मत हो, उन्होंने हमारी पार्टी को किरकिरा किया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के ऊपर पटाखे छोड़े, अब वो नहीं बचेंगे। आई एम द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। जाने दो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं। जय सिंह चौहान बहुत बड़ा मजीशियन है और उसका ग्रैंडसन रुद्रा भी कुछ कम नहीं है। उनको बड़े बड़े मजीशियंस नहीं हरा पाए। उनका सामना अब तक मुझसे नहीं हुआ है, अब देखना शाकाल। जा मेरे दोस्त जा, यही तो मैं चाहता हूँ कि जय सिंह चौहान को कोई सबक सिखाए। मैं ना सही तुम सही, अंगूर खट्टे हैं पर अच्छे हैं। ये क्या हो रहा है? रोशनी के दिन अंधेरा कैसे हो गया? अरे पूरे शहर की बिजली कैसे जा सकती है? वो ऊपर देखो, वो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है उधर। रोशनी के त्योहार पर इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? दादाजी ऊपर देखिए, वहाँ कुछ तो अजीब सा है। रुद्रा वो कोई अजीब सी नहीं, खतरनाक चीज है, मुझे अभी जाकर देखना होगा। दादाजी हम भी चलेंगे। कौन हो तुम? I am the Lord of Darkness. जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। तुम फौरन इस शहर से चले जाओ, आज खुशी का त्योहार है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई सख्ती बरतूं। सख्ती और मेरे साथ? अकेला नशेरा तू कर दे अंधेरा। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, तुम मेरे शहर पर अपना काला साया नहीं डाल पाओगे। इबाइस का डिसअपियरो। आज का रोशनी का त्योहार जय सिंह और सन सिटी कभी नहीं भूलेंगे। किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने का अपना ही मजा है। जय सिंह चौहान, अगर अपने ग्रैंडसन की सलामती चाहते हो तो अभी फाइट बंद कर दो। नहीं नहीं, मेरे रुद्रा को कुछ मत करना। दादाजी रुद्रा, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी निकल जाओ। नहीं दादाजी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे। छुड़ाओ, छुड़ा लो। तुमने हमारे दोस्त को मारा?
बड़ा तड़प रहे हो ना अपने दोस्त के लिए, तो ये लो, तुम दोनों भी उसके पास जाओ। जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। आज से सन सिटी का किंग मैं हूँ। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी, मेरा हर हुक्म मानना होगा। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमारे दादाजी को वापस लाओ। नहीं मानोगे तो तुम भी अपने दादाजी के साथ खड़े हो जाओ। मानेंगे, मानेंगे। हमें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से फाइट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो भी जल्द ही। दादाजी हमेशा कहते हैं, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है। हम भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हरा के ही मानेंगे। पर कैसे रुद्रा? कुछ तो करेंगे, फिलहाल हमें कोई शेल्टर देखना चाहिए। मैं मसाल जलाता हूँ। ओफो, ये रोशनी भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तरफ चली गई। रुद्रा अब क्या करें? वरुण, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कैसी लगी मेरी मशाल? अमेजिंग रुद्रा। अभी हमें रात यही कहीं गुजारनी होगी। सुबह होते ही हम लाइब्रेरी जाएंगे, अब वहीं से हमें लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को हराने का सलूशन मिल सकता है। अलाजार सर, दादाजी को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस नाम के एक बुरे मजिशियन ने स्मोक का स्टैचू बनाकर कैद कर लिया है, उससे लड़ने का कोई तरीका ढूंढना है। रुद्रा, उन शेल्स पर डार्कनेस से जुड़ी कई बुक्स हैं, तुम्हें उनसे कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। थैंक यू अलाजार सर। वेलकम रुद्रा। लाइब्रेरी के इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आती है कि अंधेरे से लड़ने का एक लौता तोड़ रोशनी है। उजाले के आगे कोई अंधेरा ना तो टिका है ना टिक पाएगा। आज के बाद ये पैलेस, यहाँ की हर एक चीज पर मेरा हक है। मैं तुम्हारा नया किंग हूँ। रात भर लड़ लड़कर मुझे बहुत भूख लग गई है। जाओ अपने नए किंग के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर पेश करो, तब तक मैं अपने पैलेस का राउंड लगा कर आता हूँ। रंगीला, तुम इधर उधर नजर रखो, मैं दादाजी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। रंगीला, पाइप में पानी क्यों नहीं आ रहा? अपने किंग से गद्दारी। तुम्हें भी कुछ कहना या करना है? नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। कर भला तो हो भला, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगा। अभी लाता हूँ।
कल शाम तक हमारी सिटी में खुशी और रोशनी का माहौल था, उस लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने क्या हाल कर दिया हमारी सन सिटी का। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बड़े खुश लग रहे हो। रुद्रा तुम फिर आ गए। तुम्हें बहादुर कहूँ या बेवकूफ, समझ में नहीं आ रहा जो तुम कल रात का मंजर देखने के बाद फिर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस मैं क्या हूँ वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कल जब तुमने तबाही मचाई थी तब रात थी, पर आज दिन की रोशनी है और ये मत भूलना डार्कनेस कभी रोशनी के सामने टिक नहीं पाया है। हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ। बेचारा रुद्रा, उसको नहीं पता कि पूरी सिटी को लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के अंधेरे की चपेट से निकालना बच्चों का खेल नहीं। I am Lord of Darkness, जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। I am the Lord of Darkness, जो मुझसे टकराएगा अंधेरों में गुम हो जाएगा। रुद्रा तुम मुझसे उम्र और ताकत में बहुत छोटे हो, फिर भी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू में कभी शक नहीं करना। जिबाइस का हो। जिबाइस का बूम चेक चेक बूम। इस लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की डार्कनेस को आज हम रेसलेस करेंगे। अंतर मंतर जादू कलंतर छू। तुम तो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को रेस्टलेस करने वाली थी, मुझे नहीं। सॉरी मैं अभी ठीक करती हूँ। उजाले और अंधेरे की लड़ाई तो बरसों पुरानी है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तुम भी मत भूलना कि रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह की रोशनियों से चीरते हुए निकल ली आती है। इबाइस का बूम चेक चेक बूम। ये रोशनी मेरी आंख में चुभ रही है, इसे हटाओ। आ, 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 आ,
ये रुद्रा पता नहीं किस मिट्टी का बना है, उसके सामने मेरा कोई प्यादा नहीं टिक पाता। कोई बात नहीं शकाल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रुद्रा मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उजाले की चमक के सामने हार ही जाता है। हाय मैं हूँ रुद्रा, मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में।